बहुत सस्ते दामों में। देखिए मार्केट में दाम मान लीजिए 1 लाख रुपया बिगा हुआ है, तो लेकिन आपको जानते हैं कि वो 20 हजार रुपया वो कलेक्टर ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका होगा। तो सरकार 20 हजार रुपये दाम से खरीदती थी पहले, अभी किया है 4 गुना। बहुत ब्लैक मनी उधर होता है। आप सोचिए बंबई जैसा शहर का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चले जाइए 60-70 साल पहले, जितना जमीन महाराष्ट्र सरकार ने अधिग्रहण किया और MIDC के मार्फत इंडस्ट्री को दिया, कंडीशन क्या थी? आप वो कंपनी खोलोगे, रोजगार दोगे, और जिस दिन वो कंपनी जो पर्पस के लिए लैंड का अधिग्रहण हुआ है, अगर वो नहीं होता है, वो व्यवसाय नहीं चलता है, तो वो जमीन आप वापस किसानों को लौटाओगे। क्या हुआ महाराष्ट्र में? जो ग्रेटर बॉम्बे थाने की ओर आ जाइएगा, सभी इंडस्ट्रीज बंद होके लैंड उसे सरकार ने बदल दिया और उसको लैंड हाउसिंग पॉलिसी में शामिल कर लिया इंडस्ट्री के जगह पे। रातों रात जो जमीन के कीमतें थी आसमान छूने लगी है। कानून क्या था? जो आपने किसान से जमीन छीना था, जिस पर्पस के लिए छीना था, अगर वो काम नहीं होता है तो उसी किसान को वापस लौटाया। क्या कांग्रेस की सरकार ने लौटाया? सबसे बड़ा फ्रॉड अगर इस देश में हुआ है किसानों के साथ, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई दूसरे की धन हम तीसरे को देंगे, कैसे देंगे? मैं तो उनको बोलता हूं, क्यों भाई, धनी क्यों, आर्थिक धन क्यों, बौद्धिक धन क्यों ने, अपनी विरासत की सत्ता की धन क्यों ने? कुर्सी पर छोड़ दे प्रधानमंत्री का कुर्सी, कांग्रेस की कुर्सी, वो भी तो एक धन होता है ना। लालू यादव चपरासी या लोअर क्लर्क से लेके जो भी थे, वो सरकारी कर्मचारी थे, वो मुख्यमंत्री बनते के हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन गए? ये सोचने की बात नहीं है, इस पे हम ध्यान नहीं देते, और हम सोचते हैं कि ये राहुल गांधी कुछ भी कहेंगे हम उसे मान लेंगे। जनता इतनी बुद्धू नहीं है, जनता समझ गई है। और आप जैसे पत्रकार जो है, जो सोशल मीडिया पे बड़े धूम मचा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं दिन दिन रात, तो जनता को लाभ नहीं होगा आपके ज्ञान से, आपके मेहनत से? अभी आप देखिए हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो उसको जरूरी नहीं कि दूरदर्शन ही देखना है, वो देखता है समाचार हर एक तरह से। कौन उसको बुद्धू बनाता है, कौन उसको बुद्धू नहीं बनाता है? कांग्रेस पार्टी का एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि हम यहां से 1 रुपये बेचते हैं, आम आदमी जिसके लिए बेचते हैं उसको पास 15 पैसे मिलता था, तो 80 पैसे गायब हो जाता था। और पूरा सिस्टम में गांव से लेके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट लेके सेंटर तक उन्हीं की सत्ता थी, उन्हीं का सिस्टम था। इसका मतलब 85 पैसे का अपने सिस्टम में काम करने वाले लोगों को, अपने ही लोगों को ट्रांसफर किया उन्होंने 85 रुपये। इस पे पूरा प्रतिबंध लगा है। अभी जो दिल्ली से पैसा आता है DBT के जरिए, जैसे जो लाभार्थी होता है उसके खाते में पैसा जाता है, तो कितना दिन राहुल गांधी दूसरे को बुद्धू मनाते रहेंगे? उनकी विश्वसनीयता कतई नहीं है। आप अमेरिका का उदाहरण देंगे, अपने पर क्यों नहीं आप विश्वास रखते हैं? हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहा करती थी। आप देखेंगे जितने वामपंथी है हमें लेक्चर देंगे कांग्रेस की, भाई अंग्रेज आए थे तो इसीलिए हम सुधर गए, उन्होंने सिस्टम बनाया। अरे भाई अंग्रेज क्यों आए यहाँ पे? आप बोलिए आप एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं? अगर वहां पर आपको लाभ नहीं होगा तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। वैसे ही अंग्रेज मुगल भारत में आया क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत को लूट लिया, भारत को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजी सिस्टम, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनका सिस्टम अभी तक है। आप सोचिए अंग्रेजी भाषा कितने जानते थे, फिर भी अंग्रेजी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी में चलता। जब आप भाषा ही लोग नहीं समझेंगे तो उनको न्याय कैसा मिलेगा, वो अपना हक कैसे मांगेंगे? बिल्कुल मांग नहीं सकते हैं क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं। चुपके से कानून बना देते हैं और उस कानून के अंतर्गत सब अधिकार छीन लेते हैं, जैसा अंग्रेज करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? चुपके से एक आर्म्स एक्ट बनाया उन्होंने। आर्म्स एक्ट बना के क्या कर दिया? सभी भारतीयों के घर में जो भी शस्त्र थे वो छीन लिया, अब उनसे लड़ने वाला कोई नहीं रहा। फिर धीरे से एक एजुकेशन एक्ट बना दिया, अब आप अपना गुरुकुल सिस्टम नहीं चला सकते। पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो गुरुकुल के हिसाब से चलता था उसको ध्वस्त कर दिया उन्होंने। फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जो मर्जी चाहिए आपका जमीन छीन ली। क्या कांग्रेस ने कोई भी कानून बदला
जो अंग्रेजों के जमाने से लूट का सिस्टम मचाया था उन्होंने, वही कांग्रेस ने प्रस्तावित किया। और अब राहुल गांधी बोल रहे हैं आपकी और मेरा धन की लूट करेंगे। भाई कैसे करेंगे आप अपना सत्ता छोड़िए और आप जो लूटे हुए हैं कुर्सी का, प्रधानमंत्री की कुर्सी का, आपका परिवार ने जो सत्ता का लूट मचाया रखा है वो छोड़िए आप, उसको क्यों नहीं आप बांट देते गरीबों में? आप प्रधानमंत्री की कुर्सी गरीब को क्यों नहीं दे देते? आप एमपीए गरीब को क्यों नहीं दे देते? खड़गे जी हजारों करोड़ की संपत्ति है खड़गे जी के पास, हम सब जानते हैं। अब वाड्रा को देख लीजिए ना, वाड्रा क्या था, एक मुरादाबाद में एक छोटी सी वो मेटल का उसका दुकान था जो ब्रास हम कहते हैं, कहां से 1,000-12,000 करोड़ की संपत्ति मिल गया? वही लैंड यूसेज पॉलिसी से, किसान की जमीन छीनी एक प्रोजेक्ट के नाम से बदल दिया और अपने लोगों को, अपने परिवार लोगों को बांट दिया। अब राहुल गांधी ये कर रहे हैं आपकी और मेरी चल और अचल संपत्ति कोई बहाने के नाम से छीनने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों में बांटने की। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जनता सब कुछ जान चुकी है। गोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।